हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप लोग किचन यानी हमारे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यम्मी टेस्टी कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी, वो भी एकदम कैफ़े के जैसे, बिना मशीन के, बहुत चाक वाली कॉफ़ी और बिना फेटे, और वो भी सिर्फ एक मिनट में। ये कॉफ़ी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, पर कई लोग उसे 15-20 मिनट तक फेंटते रहते हैं, और जब हम बहुत ही थक जाते हैं तब हमें कॉफ़ी पीने को नसीब होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो मज़ा नहीं आता है और हम फेंटते हमारा हाथ भी दर्द करने लगता है। और अगर कोई स्टूडेंट हो, उसको ऐसी कॉफ़ी पीने की इच्छा हो, तो वो तो क्या रात को पढ़ते पढ़ते ये 20-25 मिनट तक बनाने बैठेगा? नहीं। तो आज मैं उसके लिए आपके साथ बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ, तो आप एक ही मिनट में ये कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी रेडी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरी चैनल लापड़ू किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अभी हम बहुत ही झाग वाली कॉफ़ी, वो भी बिना फेटे, बिना मशीन के बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके लिए मैंने एक कप में 2 छोटी चम्मच शक्कर ली हुई है, आप उसमें थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद शक्कर के जितनी 2 छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया हुआ है, और उसके अंदर मैंने 1/4 छोटी चम्मच कोको पाउडर डाला हुआ है, जो डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अभी मैंने उसमें 150 ml दूध यानी एकदम गर्म दूध, उबलता हुआ दूध डाला हुआ है, और जो नॉर्मल हैंड बीटर आता है उसकी हेल्प से हमें ये 30 से 40 सेकेंड तक अच्छी तरह से इसे चलाते रहना है। इसमें आपके हाथ भी नहीं दुखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ 30-40 सेकेंड में ही बन जाता है। आप जो नॉर्मल काटा होता है उससे भी कर सकते हो, पर उससे दूध ठंडा होने का प्रॉब्लम हो जाएगा और उसे आपको थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन बेटर है। आप देख सकते हो कि जब मैंने दूध डाला था तो वो आधा कप दूध डाला हुआ था, और अभी ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा कप भर चुका है। यानी इतने झाग होते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि बिना मशीन, बिना 20-25 मिनट फेंटे आप अच्छे से इतनी अच्छी कॉफ़ी बना सकते हो। अभी मैं आप तो दिखा रही हूँ कि देखो कितने अच्छे झाग आज आ गए हैं हमारी कॉफ़ी में, और वो भी हमने सिर्फ एक ही मिनट के अंदर ये कॉफ़ी बना के रेडी कर दी है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर से ट्राई करना, और इसके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा चॉकलेट पाउडर, या तो फिर अभी मैंने उसके ऊपर थोड़ा बॉर्नविटा डाला हुआ है, उससे भी कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स, कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी जो एक ही मिनट में बन जाती है, तो वो आप घर पे बना के ज़रूर से ट्राई करना, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरी चैनल लापड़ू किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।